आज हम बनाने वाले हैं गुड़ पारे। ये बहुत ज्यादा खस्ता और टेस्टी बनते हैं, तो चलिए इसमें से आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए, लग रहे हैं ना आपको भी बहुत ज्यादा टेस्टी। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आजकल सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो ज्यादातर लोगों का इस मौसम में गुड़ और गुड़ से बनी चीजें खाने का बहुत मन करता है ना, जैसे कि गुड़ की पट्टी, गुड़ की रेवड़ी, मीठे चावल या गुड़ की सेव या गुड़ पारे। यानी कि बहुत सारी चीजें होती है जो गुड़ से बनाई जाती हैं। और वैसे भी हमें गुड़ को हमेशा खाते रहना चाहिए, क्योंकि गुड़ में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो क्यों ना आज के इस वीडियो में हम गुड़ पारे बनाएं, और आप चाहे तो इन्हें चाय के साथ भी ले सकते हैं, या फिर लंच या डिनर के बाद एज ए स्वीट के रूप में भी इसे खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं गुड़ पारे। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ज्यादा खस्ता और टेस्टी बनते हैं, और इनमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं पड़ते, इसलिए झटपट से तैयार भी हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम ही मैदा भी, और ये है सौंफ, और इनके अलावा हमने यहाँ पर लिया है तेल। तेल मैंने लिया है तकरीबन 12 से 13 टेबलस्पून, क्योंकि जब हम मैदा गूंदेंगे ना तो उसमें तेल हम जरूर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर मैदा गूंदने की तैयारी कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर मैदे को डाल लिया है बाउल में और ऐड कर ली है सौंफ। सौंफ हमने 1 से 1.25 चम्मच ली है, और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तेल। ध्यान रहे, ये 12 से 13 जो चम्मच है तेल है, यही वाला चम्मच जिसे मैं यूज कर रही हूँ। तो अगर आपको एग्जैक्ट नाप चाहिए तो आप जिस बर्तन से मैदा लेंगे ना, उसी बर्तन से 1/4 तेल जरूर लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि जब आप पारे बनाएंगे ना तो बहुत ही खस्ता बनते हैं और बहुत टेस्टी भी। सेम इसी नाप से तेल हम मठियों के लिए भी लेते हैं। और अब हम यहाँ पर इसे पहले गूंद लेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर तेल काफी है क्या। तो देखिए, तेल काफी है, क्योंकि मुझे अंदाजा है ना ये 12 से 13 टेबलस्पून 250 ग्राम में काफी होता है तेल। ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे गरम पानी। पानी गरम हम इसलिए लेंगे कि सिर्फ मोइन से ही खस्ता नहीं बनती ये तलने वाली जो मैदे की चीजें हैं, या चाहे आटा हो या कोई और भी हो, लेकिन जब हम यहाँ पर गरम पानी यूज करते हैं ना, तो वो चीज बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी और खस्ता भी। तो खस्ता अगर आपको कोई चीज बनानी है, यानी कोई चीज नहीं फुलानी है आपको, जैसे मट्टी है या पारे है, तो उस वक्त आप गर्म पानी का यूज कीजिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, एक साथ हमने गीला नहीं करना है। और अब हम इसे बना लेंगे बहुत अच्छा सा एक डो, ना तो बहुत ज्यादा गीला और ना ही बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए। और अब हमने यहाँ पर मैदे को मल करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पर हम जो मैदा है पूरा का पूरा, इसके कर लेंगे 2 हिस्से, और अब हम इस लोई को अच्छे से बेल लेंगे, और बिल्कुल ये ऐसा लगेगा जैसे पिज्जा बनाते हैं ना, तो उसी की जो मोटाई होती है सेम उतना ही हमें इसको भी मोटा रखना है। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितना मोटा रखा है। देखिए, बस इससे ज्यादा मोटा बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये अच्छा खासा और फूल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसके कॉर्नर हटा रहे हैं। आप चाहे तो कॉर्नर हटा सकते हैं, या चाहे तो नहीं भी, क्योंकि शेप तो हाथ से भी दी जा सकती है बाद में। और अब हम यहाँ पर दे रहे हैं पारों को शेप, यानी जो हम यहाँ पर शक्कर पारे बना रहे हैं उनको शेप दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा काट करके इन्हें शेप दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना इजी है इन्हें शेप देना। और यहाँ पर तो मैंने जो रोटी बेली है इसके कॉर्नर भी नहीं हटाए हैं, क्योंकि हम इन्हें हाथ से शेप दे देंगे। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर सारे के सारे पारे कर लिए हैं तैयार। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। और अब हमने यहाँ पर तेल को कर लिया है मीडियम गरम। तो चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं एक एक करके सारे के सारे पारे। ध्यान रहे, हमें बहुत ज्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखना, फ्लेम लो से मीडियम के बीच में ही रखनी है। और जैसे ही मीडियम में भी ये गर्म हो जाएगा ना तेल, हमें फिर से इसे लो फ्लेम में कर देना है। हाँ, एक बात मैं आप सभी के साथ और शेयर करना चाहूंगी अपनी, कि जब कभी भी हम यहाँ पर तलने वाली चीजें जिन्हें हम नहीं फुलाते, जैसे पापड़ी और मट्ठी, ये शक्कर पारे, ये चीजें बनाते हैं ना, तो इन्हें बनाने के लिए जो खस्ता बनती है वो टिप्स ये हैं कि दो तो मैं बता ही चुकी हूँ। एक तो ये कि मोइन सही मात्रा में होना चाहिए, और दूसरा गर्म पानी में गूंदे होने चाहिए,
और तीसरा ये है कि इनको फ्राई करते समय लो से मीडियम फ्लेम के बीच में ही इन्हें फ्राई करना है, तभी ये खस्ता और टेस्टी बनते हैं। अगर हम इन्हें तेज गरम तेल में अगर बनाएंगे ना तो ये जल्दी से बाहर से तो कुक हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे, फिर हमें इन्हें खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो देखिए अब ये हाफ गोल्डन हो चुके हैं, हाफ ब्राउन, और अब ये हो चुके हैं पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन। देखिए लग रहे ना कितने सुंदर। तो चलिए इन्हें उतार लेते हैं। बहुत लोगों का ये कहना होता है कि उनके जो शक्करपारे हैं ये हार्ड बन गए हैं गुड़ की कोटिंग करने के बाद, लेकिन जब भी हम गुड़ से कोट करते हैं या शक्कर से कोट करते हैं तो ये तो नेचुरल सी बात है कि वो जो चीजें हम बनाते हैं खाने की वो थोड़ी बहुत हार्ड हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम ये मैदे की चीज या किसी से भी बेसन से या आटे से हम बना रहे हैं तो वो हार्ड होगा। ये डिपेंड करता है कि हमने इन्हें फ्राई कैसे करा है और हमने इन्हें गूंदा कैसे है। तो हमने अगर यहाँ पर मोयन अच्छा डाला है और अच्छे से गूंदा है तो तब ये बहुत ज्यादा खस्ता बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर बने हैं ना ये। तो अब हमने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है गुड़ और कढ़ाई है लो फ्लेम में। हम यहाँ पर लेंगे 1 से 2 टेबलस्पून पानी और इसे अब मेल्ट होने देंगे, और मेल्ट होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर ये मेल्ट होता जा रहा है गुड़, और अब देखिए पूरी तरह से ये मेल्ट हो चुका है। हमें यहाँ पर बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि एक तार की है या दो तार की है चाशनी गुड़ की या क्या है, क्योंकि जैसे ही गुड़ यहाँ पर मेल्ट होगा ना आपने इमीडिएट ही यहाँ पर पारो को ऐड कर लेना है, वरना गुड़ जल जाएगा और फिर बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा और खाते समय भी वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो हम इन्हें कर लेंगे मिक्स और 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर गैस के ऊपर ही इन्हें रखेंगे, गैस को बंद नहीं करेंगे। 1 से 1.5 मिनट बाद हम गैस को कर देंगे बंद और इन्हें होने देंगे ठंडा। और तार में यहाँ पर चेक करने के लिए इसमें मना कर रही हूँ क्योंकि जैसे ही गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाता है ना तो अपने आप वो 2 से 3 तारे बनाने लगता है। और अब तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका है तो हम गैस को कर लेंगे बंद और इन्हें निकाल लेंगे एक बड़ी सी प्लेट में या फिर किसी ट्रे में। और अब हम इन्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से फैला करके ठंडा करेंगे और हिलाते भी जाएंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें इसी तरह छोड़ देंगे ना तो ये चिपक जाएंगे और अगर हम तेजी से इनको हिलाते जाएंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो हमने इन्हें टूटने भी नहीं देना है और बहुत आराम से इन्हें हिलाते जाना है ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ना चिपके और ठंडे हो जाएं। और जैसे ये ठंडे होंगे तो बस हमारे गुड़पारे बहुत अच्छे से तैयार हो चुके होंगे। अब आप देख सकते हैं कि पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर गुड़ जो है सूख चुका है थोड़ा बहुत। वैसे भी गुड़ या फिर जो चाशनी होती है 2 या 3 तार की वो सूखने में ज्यादा टाइम नहीं लेती। तो मैंने यहाँ पर अब देखिए एक एक जो पारों को अलग करती जा रही हूँ और मैं हाथ को नहीं रोकूंगी, अगर जैसे ही मैंने यहाँ पर रोका ना तो ये चिपक जाएंगे। तो मैं इन्हें बार बार अलग करती जा रही हूँ और ठंडा भी। और अब ये पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं और बहुत ज्यादा खस्ता टेस्टी और सुंदर भी बने हैं। देखिए लग रहे हैं ना आपको भी बहुत ज्यादा सुंदर। तो चलिए इसमें से आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। आप चाहे तो ज्यादा क्वांटिटी में बना करके इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं और तकरीबन 1 से 2 महीने तक आराम से आप इन्हें खा सकते हैं, यानी कि पूरी सर्दियों में आप मजे ले सकते हैं इन गुड़पारों का। तो लग रहे हैं ना आपको बहुत टेस्टी। तो चलिए अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।